हेलो क्लास 7, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर करेंगे 10, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सांस लिया जाता है, ब्रीथ करते हैं हम लोग, किस तरह से करते हैं ब्रीथ। ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब तो हो गया। बुक है आपकी साइंस की प्राची क्लास 7 और चैप्टर करेंगे 10। टर्म्स टू रिमेंबर, एरोबिक। एरोबिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब इसमें प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन एरोबिक में और एनारोबिक में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है स्पायरिकल्स, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे होल्स होते हैं या स्मॉल ओपनिंग्स होती है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो करते हैं। एल्वियोली, स्मॉल एयर सैक, मतलब छोटे छोटे एयर के कॉलम बने होते हैं, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। एल्वियोली जो है इसका जो स्मॉल छोटे एयर सैक कॉलम थैला प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का मतलब है जहाँ से सांस लेते हैं वो जो ट्यूब्स होती हैं। ठीक, इसको आगे पढ़ेंगे हम। Why do we respire? क्यों सांस लेते हैं हम? All machines need energy to run. सब मशीन्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की चलने के लिए। ठीक है, सारे ऑटोमोबाइल्स को नीड होती है पेट्रोल की, डीजल की, भागने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड इन द इंजन, तो पेट्रोल और डीजल जो होता है इंजन के अंदर जाके जलते हैं और यूज़ करते हैं ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलेगी, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलती है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती, बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर। इसके बाद है, वी नीड हीट एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हम लोगों को हीट एनर्जी जो है कहाँ से मिल, मतलब हीट एनर्जी क्यों चाहिए? हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कोल। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोल जलाकर, एलपीजी गैस जलाकर, लेकिन ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही जलते हैं। तो अवर बॉडी ऑल्सो नीड एनर्जी, हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी फ्रॉम द फूड वी टेक। और हम वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो हम वो एनर्जी लेते हैं जो खाना खाते हैं उससे। तो क्या होता है, फूड जो होता है वी टेक हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। उस फूड के अंदर जो भी खाना खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है और वो एनर्जी जो है रिलीज करती है। व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, जब हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डाइजेस्ट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल। तो सेल के अंदर वो कंपोनेंट्स जो हैं फूड के, डाइजेस्टिव फूड के, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और इस पूरे प्रोसेस को जो बोलते हैं रेस्पायरेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। देयरफॉर वी रेस्पायर, इसलिए हम सांस लेते हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। द टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एयर, हमें साफ सुथरी हवा चाहिए रिच इन ऑक्सीजन। एंड ट्रांसपोर्ट द इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, और हमारी पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन ट्रैवल करती है टू एवरी सेल इन द बॉडी, हर सेल, बॉडी के हर सेल के अंदर। तो यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी फूड से मिलती है जो भी खाते हैं।
द नीडेड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो ऑक्सीजन मिलती है जो हवा हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं. ड्यूरिंग स्लो कम्बशन ऑफ फूड, जब धीरे धीरे हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर आर प्रोड्यूस. तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गो आउट ऑफ आवर बॉडी, और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है. जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर जो हवा निकालते हैं हम, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन द सेल, ये जो प्रोसेस है पूरा ऑक्सीजन को सेल्स के अंदर लेकर जाने का, प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रिमूविंग द गैसियस वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इज टर्म्ड एज रेस्पायरेशन. तो रेस्पायरेशन अकर इन द लिविंग सेल्स, और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ जिंदा लिविंग सेल्स के अंदर ही होता है. तो यहाँ 143 पेज जो है फिनिश होता है. लेट्स गो टू द अनदर पेज 144. रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस आते हैं इसके अंदर. पहला है ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और दूसरा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सेलुलर रेस्पायरेशन या इंटरनल रेस्पायरेशन. ठीक है, इसके अंदर अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर, जब हम सांस लेते हैं खुली ताजी हवा में, एंड एक्सहेल द यूज्ड एयर, और यूज्ड एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं, इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी होते हैं, आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स. सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर होता है ये रेस्पायरेशन. सेलुलर सेल, सेलुलर सेल, ठीक है, सेल से बना वर्ड सेलुलर. सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब सेल्स के अंदर होगा ये प्रोसेस. तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द इनहेल्ड ऑक्सीजन. तो क्या होता है, जो ग्लूकोज ऑब्टेन होता है, जो ग्लूकोज बनता है जब डाइजेस्ट फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज जो बनता है वो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, जो हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ, एंड एनर्जी इज रिलीज, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके साथ ऑक्सीजन प्लस होता है. प्लस होकर क्या हम बाहर एक्सहेल क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, अब टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन में देखते हैं हम क्या है. टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन में है, फर्स्ट है एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक. तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, प्रेजेंस रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पायरेशन. जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं. और एनारोबिक जिसमें एब्सेंस होती है, मतलब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन, एब्सेंस होती है या हवा ही नहीं होती, ठीक है. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज होता है ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एनारोबिक रेस्पायरेशन तब होता है जब एब्सेंस ऑफ एयर होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, एयर नहीं होती. और ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पायरेशन ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है इथाइल एल्कोहल, ये क्लास 10th में पढ़ेंगे हम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर में क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. अब ये इनका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला ये है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2. जो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हैं उनको कैपिटल ही लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स छोटे लिखे गए हैं, स्मॉल हैं, उनको स्मॉल ही लिखना है. नेक्स्ट आता है हमारा यीस्ट. यीस्ट जो है कुछ बैक्टीरिया और पैरासिटिक
फ्लैट वॉर्म्स शो एनएरोबिक रेस्पायरेशन. यीस्ट जो है या कुछ अलग बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इस एनएरोबिक रेस्पायरेशन को फॉलो करते हैं. एनोबिक एरोबिक रेस्पायरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी. एरोबिक रेस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है. एनरोबिक में नहीं होती इतनी एनर्जी प्रोड्यूस. इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में एनरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन मसल. ये रेस्पायरेशन, एनरोबिक रेस्पायरेशन हमारी बॉडी में मसल्स में होते हैं. जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में एनरोबिक रेस्पायरेशन होता है मसल्स में. बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत कम समय के लिए. When there is a temporary deficiency of oxygen, ठीक है, जहाँ जब कम हो ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग सच एनरोबिक रेस्पायरेशन, इन एनरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी इज गिवन आउट. तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है यहाँ पर, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला और एनर्जी. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प्स इन मसल्स. जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कोई चीज़, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है ये वैसे मिल्क में पाया जाता है, ये हमारी जो है मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड. जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और बहुत ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये एसिड हमारी बॉडी में पाया जाता है लैक्टिक एसिड. तो जब एक्यूमुलेशन, अच्छा अब एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, कि एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी चीज़ का ढेर लगना, ठीक है, किसी चीज़ का ढेर लग जाना, इकट्ठी हो जानी, कोई चीज़ कलेक्ट हो जानी. कलेक्ट कह सकते हो आप, कलेक्शन कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में. जब हम लैक्टिक एक एसिड का जब हमारी मसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं ना, मसल्स में इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो क्रैम्प्स हमारे जैसे क्या बोलते हो आप लोग, जैसे टांगों में नस चढ़ जाती है, तो वो क्रैम्प्स होते हैं. मतलब वो क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड के बढ़ जाने से होते हैं वो क्रैम्प्स, ठीक है. तो यहाँ पर आई थिंक ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई है. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 145 है ये. हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी में जो हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज जो है, फिर उन क्रैम्प्स पे, वो जो नस चढ़ जाती है हमारे हाथों पे या पैरों पे, उन क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए हम हॉट वाटर बाथ करते हैं या फिर उसको मसाज करते हैं. क्यों? क्योंकि हॉट वाटर या मसाज से ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है. एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इम्प्रूव. तो उसमें जो है मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई और अच्छे ढंग से शुरू हो जाती है. दिस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई कॉजेज अ ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड. जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती है मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड खत्म होना शुरू हो जाता है एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. डिफरेंस बिटवीन है एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पायरेशन में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होगा पीछे बैक एक्सरसाइज में, ठीक है. अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन का होना और एनरोबिक का मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंट होना. इसमें ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है. इसमें जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड मिलता है. ये ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और एनरोबिक वाला जो है प्रोसेस वो यीस्ट और बैक्टीरिया और पैरासिटिक वॉर्म्स में होता है. एरोबिक रेस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनरोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पर आ गई हमारी समरी पॉइंट्स, इसको फटाफट से रीड कर लो. इसके बाद जो है हमारे पेज नंबर 145 के ओरल क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे.
तो आप पहले इस लेसन का कवर पेज बनाइए अपने रजिस्टर में, साइंस के रजिस्टर में, और उसके बाद पेज नंबर 145 लिखिए और 145 के ओरल क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 145 ओरल क्वेश्चन, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या ऑक्सीडाइज होता है। विच केमिकल गेट, कौन सा केमिकल इकट्ठा होता है मसल्स के अंदर ऑफ ह्यूमंस ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पायरेशन, और विच ऑफ द टू टाइप्स, दोनों में से कौन सा जो टाइप ऑफ रेस्पायरेशन है एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख लिए हैं, आप इसको फटाफट से कॉपी डाउन करो। आंसर 1 है, एज वी ब्रीथ वी टेक इन द एयर, हम अंदर हवा को लेकर जाते हैं अपनी बॉडी में, दैट कंटेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है, एंड ब्रीथ आउट, हम बाहर निकालते हैं वो वाली हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड, हमारी बॉडी में जब ये ऑक्सीजन जाती है तो ये हमारे सेल्स में जाती है, जो ब्रेक डाउन करता ही है फूड को और हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड का था आंसर ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और ग्लूकोज का फॉर्मूला इसी तरह से लिखना। थर्ड है, ऐसा कौन सा एसिड था जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, मसल्स क्रैम्प देता है, तो वो है लैक्टिक एसिड। और फोर्थ है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी। यहाँ पर 145 के ओरल क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, तो लेट्स गेट बैक टू अवर रीडिंग सेक्शन। ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है, ब्रीथिंग, सांस लेना। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरा, जो पूरी हवा जो होती है ना, एयर जो होती है, रिच इन ऑक्सीजन होती है जब हम उसको अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन वाली हवा जाती है, और बाहर कौन सी हवा आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर वाली। द टेकिंग इन ऑन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, मतलब जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, इनहेल करना, इनहेलेशन, ठीक है, और द गिविंग आउट, जो बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सहॉलेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ब्रीथिंग हमारी बॉडी का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है, एंड अकर थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हमारी जिंदगी होती है पूरी लाइफ ये प्रोसेस चलता है। ब्रीथिंग रेट, क्या रेट है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अक्कर ऑल्टरनेटिवली एंड कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार होता रहता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक, एंड दस वन ब्रीथ मीन्स, एक बार सांस लेने का मतलब है कि एक बार ब्रीथ इन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, मतलब एक बार हवा को बाहर निकालना। यहाँ पर पेज 45 कंप्लीट होता है, लेट्स 146 पेज पर चलते हैं। अब है यहाँ पर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन, वन मिनट, एक मिनट में जितनी बार हम ब्रीथ करते हैं वो ब्रीथिंग रेट होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है 16-18 टाइम्स पर मिनट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है ये। एक इंसान एक मिनट के अंदर 16-18 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ड्यूरिंग रनिंग फास्ट, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, ठीक है, और ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यहाँ पर एक्टिविटी 1 है जो आप देख सकते हो, एक्टिविटी वन के अंदर हमें मेजर करना है ब्रीथिंग रेट को। ए में आफ्टर रेस्ट, रेस्ट के बाद हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है। सी पार्ट है आफ्टर ब्रिस्क वॉकिंग, एक वॉक के बाद हमारा ब्रीथ रेट क्या हो जाता है, और आफ्टर रनिंग। तो ये जो है इसको आप खुद पे ट्राई करके, मैं किसी और पे नहीं कह रही, खुद पे ट्राई करके आप इस ऑब्जर्वेशन को फिल कर सकते हो। और इसमें जो है लास्ट में कंक्लूजन पार्ट जो है वो ये कहता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंक्लूजन पार्ट में ये आता है, ब्रीथिंग रेट कभी भी सेम नहीं रहता। जब हम रेस्ट पे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट कुछ और होगा,
जब नॉर्मल कंडीशन पे होता है तो हमारा ब्रीथिंग रेट कुछ और होगा, जब हम वॉक करते हैं तो कुछ और होता है, और आफ्टर रनिंग, रनिंग के बाद तो या हैवी एक्सरसाइज के बाद हमारा ब्रीथिंग रेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो व्हेन द बॉडी वर्क्स हार्ड द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, जैसे जैसे हम काम की क्षमता बढ़ाते हैं हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। एक्सप्लेन, व्हेन अ बॉडी वर्क्स हार्ड इट नीड्स मोर एनर्जी, जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जिससे क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, जिससे जो है फास्टर रेस्पायरेशन हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी बॉडी को। इसलिए दैट इज़ वाई द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज व्हेन द बॉडी डज वर्क हार्ड, जब हमारी बॉडी वर्क हार्ड करती है तो हमारी जो है ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज बोलता है हाउ डू वी ब्रीथ। अब यहाँ पर वो प्रोसेस आएगा किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो, इनर लाइनिंग ऑफ द नोज, नोज के अंदर की जो लाइनिंग होती है, सीक्रेट मस्कस, दिस मस्कस मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज मॉइस्ट, हमारा जो नाक है अंदर से गीला होता है, नोज हमारा गीला होता है अंदर से, तो किसकी वजह से होता है, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग मस्कस की इनर लाइनिंग की वजह से हमारा जो नोज है अंदर से गीला होता है। और लंग्स जो है कंटेन करते हैं 300 मिलियन एल्वियोली, और एन एडल्ट में इनहेल्स अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर पर मिनट, हम एक मिनट के अंदर जो है, पर मिनट के अंदर 6 लीटर ऑफ एयर जो है इनहेल करते हैं, ठीक है। द वेरियस ऑर्गन दैट हेल्प लिविंग बींग टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉस्ट्रिल होगा, ये नॉस्ट्रिल हमारा नोज से रिलेटेड होता है, फिर ट्रेचिया ये रहा, फिर ब्रॉन्ची ये रहा, देन लंग्स। हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है ना, ये खाली नोज का काम नहीं है कि नोज से बस या मुंह से ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, नहीं, ये इन सब सब ऑर्गन की हेल्प की वजह से होता है, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेचिया, ब्रॉन्ची एंड लंग्स, द रोल ऑफ दीज ऑर्गन, इन सब ऑर्गन की वजह से ब्रीथिंग सिस्टम जो है हमारी बॉडी में चलता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर एंटर अवर नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाक के अंदर हवा जाती है, एयर एंड द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे क्या होता है, जो नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं और जो नोज के अंदर हमारा जो गीला लाइनिंग होती है, गीली लाइनिंग होती है, उससे क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर हवा के साथ डस्ट और जर्म्स नहीं जाते, वो उस चीज़ को रोक लेती है। द एयर पासिंग थ्रू द नेसल पैसेज, अब ये नेसल, ये रहा नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज से जब हवा अंदर जाती है तो गेट्स वार्म एंड मॉइस्ट, हवा गर्म हो जाती है और मॉइस्ट मतलब गीली हो जाती है, एंटर द लंग्स और हमारे लंग्स में आ जाती है थ्रू द ट्रैचिया, ट्रैचिया यहाँ देख सकते हो, इस ट्यूब को ट्रैचिया बोलते हैं, ट्रैचिया से हमारे लंग्स में आती है, विंड पाइप, ट्रैचिया का मतलब विंड पाइप, एंड ब्रॉन्ची, ठीक है। उसके बाद लंग्स में क्या होता है, हर ब्रॉन्चेस मतलब ब्रॉन्ची जो है डिवाइड होती है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर ब्रॉन्ची जो है डिवाइड हो जाती है, एट द अदर एंड ऑफ दीज ब्रॉन्चियल्स, और इस ब्रॉन्चियल्स की जो एंड होती है, ठीक है, एंड जो होती है ब्रॉन्चियल्स की, देयर आर वेरी स्मॉल सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड फ्लो किस तरह से करता है, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है थ्रू एल्वियोली। तो दीज एयर सैक्स, जो एयर के ये सैक्स होते हैं या एयर के जो बोरे होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स में जाते हैं इस तरह से, ठीक। दीज ब्लड वेसल्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं मतलब खून की जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल जो होती हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो हवा में प्रेजेंट होती है, और वही ब्रीथ इन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड,
जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, रिलीज्ड इन टू द एयर सैक्स एंड इज एक्सपेल्ड आउट, हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। इसलिए ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे लंग्स में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द लंग्स। इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम लंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। लंग्स जो हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी का। लंग्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड इन एन एयर टाइट चेस्ट कैविटी, मतलब ये चेस्ट कैविटी जो चेस्ट है ना हमारी, इसमें बंद होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय अ रिब्स, और इसमें रिब्स होती हैं। अ लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म्स इट फ्लोर, तो यहाँ पर ये डायफ्राम देख सकते हो, ये बड़ा सा डायफ्राम जो है इसका फ्लोर बनाता है। दिस डायफ्राम सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमन मतलब हमारे पेट को और ये लंग्स को जो है सेपरेट रखता है। द मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स और मसल्स की जो रिब्स हैं और डायफ्राम जो है मूव करते हैं, टुगेदर काम करते हैं ब्रीथिंग के समय। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, रिब्स जो है हमारे वो अप और डाउन होता है। द डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम हमारा नीचे चला जाता है। दीज मूवमेंट इनक्रीज, ये मूवमेंट बढ़ती चली जाती है चेस्ट कैविटी में, एंड द लंग्स एक्सपेंड, जिससे हमारे लंग्स फूल जाते हैं जब हम सांस लेते हैं और श्रिंक हो जाते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज एंड फ्रेश एयर रशेज इन टू द लंग्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट एक्सपेंड, जब हम सांस लेते हैं ना हमारी चेस्ट फैल जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हवा अंदर जाती है। ये पेज नंबर 147 यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर 148। पेज 148 है ये। अब जब ऑक्सीजन बाहर आती है, मतलब एक्सहेलेशन, द रिब्स मूव्स डाउन, हमारी रिब्स डाउन और अंदर की तरफ चले जाते हैं। द डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर आ जाता है, और ये मूवमेंट जो होती है ये चेस्ट की जो कैविटी है उसको डिक्रीज कर देती है और लंग्स जो हैं श्रिंक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इसमें क्या होता है, रिजल्ट के टाइम प्रेशर जो इनसाइड हमारे लंग्स में जो प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, एंड एयर इज पुश्ड आउट द लंग्स, और हवा जो है लंग्स से बाहर निकल जाती है। अब एक एक्टिविटी है लंग्स, और ये एक्टिविटी बहुत कॉमन है, हमने शायद फिफ्थ क्लास में भी करी है। जो एक्टिविटी है इसके अंदर ये बोल रहा है कि मॉडल बनाना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का। एक ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स ले लो, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से बैलून लगा लो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। अब इसमें क्या करना है, आपको वर्क कैसे करना है, बैलून्स जब हैं, जब बैलून्स में हवा भरोगे तो क्या होगा, बैलून फूल जाएगा, ठीक है, और जब बैलून से हवा निकलेगी, यहाँ पर बैलून से हवा निकली, इसका मतलब आपने सांस छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर आ गया, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन ले ली, तो ये एक डायग्राम ये शो करता है। इसका कंक्लूजन जो है बताते हैं, बैलून रिप्रेजेंट लंग्स, इसको लंग्स माना है, रबर की जो शीट थी वो प्रेजेंट करी डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है, रबर की शीट। अच्छा, प्लास्टिक बॉटल ने रिप्रेजेंट करा, ये प्लास्टिक बॉटल जो है हमारी चेस्ट की तरह काम करा है। व्हेन रबर शीट इज पुल्ड, जब हम रबर शीट को पुल करेंगे खींचेंगे, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीज, बॉटल के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हवा जो है आउटसाइड टू एंटर द लंग्स। और जब रबर शीट रिलीज करेंगे, मतलब जब रबर शीट को इस तरह से छोड़ देंगे, तो क्या होगा, बॉटल जो है इंक्रीज एंड द एयर फ्रॉम द बैलून इज पुश्ड आउट, हवा उन बैलून में से हवा बाहर निकल जाएगी और द बैलून्स गेट फ्लैटेड, ठीक है। एक्टिविटी 3 जो है नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 149, ये पेज 149 है। यहाँ पर जो है आप जो है एक मेजरिंग टेप लोगे, बस
जब आप सांस अंदर लेकर जाओगे तो आप अपनी मम्मा को या पापा को बोलना आपका चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे, और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे उस समय आप चेस्ट को मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स में जब हवा भरती है तो आपकी चेस्ट जो है कितनी फूल जाती है, और जब हवा छोड़ते हो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से, तब आपकी बॉडी जो है श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ पर वही फील करना है, ये आप एक्टिविटी कर लेना, ठीक है। और व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, क्या ब्रीथ आउट करते हैं हम, हमें इतना तो पता लग गया कि हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हम एक्सहेल करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं उसमें मॉइस्चर भी होता है, वाटर भी होता है। तो इनहेल्ड ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है, और एक्सहेल के अंदर ऑक्सीजन इतना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना होता है, ठीक है। ये लर्न कर सकते हो, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्टिविटी 4 में क्या करना है आपको, एक मिरर लो। ये तो हम सर्दियों में बहुत करते हैं, बच्चे बहुत करते हैं ये सर्दियों में। क्या करते हैं कि मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं और जोर से ना अपनी सांस को मिरर के आगे ब्लो करते हैं जोर से, तो वो मॉइस्चर बन जाता है, मिरर के ऊपर मॉइस्चर बन जाता है, फिर हम उस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, करते हैं ना सर्दियों में। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें पानी के होने के चांसेस होते हैं, ये हमें उस एक्टिविटी से पता चल जाता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 आ गई यहाँ पर, और पेज नंबर 150 है ये, पेज 150 है ये, और यहाँ पर एक्टिविटी है कि इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब ले लो, डिलीवर ट्यूब ल्यूक लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर ले लो। अब इसमें क्या करना है, 5 ml ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी, लाइम वाटर लो और टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ब्लो करो हवा को उस ट्यूब के अंदर, छोड़ो मतलब अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को उस के अंदर छोड़ो, तो क्या देखोगे कि लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की टर्न्स हो जाएगा। दिस शो कि एक्सहेल एयर के अंदर जो हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर अपनी बॉडी से निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लाइम वाटर जो होता है वो मिल्क में मिल्की मिल्की सा टेक्सचर हो जाता है उसका, और वो मिल्की सा दिखता है। यहाँ पर अब डिफरेंसेस बिटवीन करेंगे, तो डिफरेंसेस बिटवीन के अंदर है रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पायरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग के अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है फूड का और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलते हैं। ब्रीथिंग में अकर होता है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, और रेस्पायरेशन इनसाइड द सेल होता है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होता, इसके अंदर एंजाइम्स मतलब सेल्स जो हैं हमारी इन्वॉल्व होती हैं। नो एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, ना ही एनर्जी इवॉल्व मतलब ली जाती है और ना ही एब्जॉर्ब की जाती है। यहाँ पर एनर्जी कंट्रोल होती है एंड अ स्टेप वाइज मैनर के अंदर। यहाँ पर आपके समरी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके समरी पॉइंट्स हैं, इसको फटाफट से रीड कर लो क्योंकि 151 पेज पे ओरल क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको रीड करने के बाद हम ओरल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं पेज 151 पर। यहाँ देख सकते हो ये पेज 151 के ओरल क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस लिखो 151 के एंड आंसर्स अभी डिस्कस करेंगे हम। पेज 151 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन्स इन द लंग्स, लंग्स में क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं। हु विल हैव हायर ब्रीथिंग रेट, किसका हायर ब्रीथिंग रेट होगा, एक मैन रेस्ट कर रहा है उसका या एक मैन आफ्टर रनिंग फास्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर इन द चेस्ट कैविटी, क्या चेंजेस आएंगे हमारी चेस्ट कैविटी में और लंग्स में ड्यूरिंग सांस लेते समय इनहलेशन। What do we breathe out? हम breathe out में क्या बाहर
निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। तो मैंने आंसर्स लिख लिए, आप फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है, व्हेन वी ब्रीथ इन और इनहेल आवर डायफाग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स आउटवर्ड सॉरी डाउनवर्ड, दिस इंक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड आवर लंग्स एक्सपैंड इनटू इट, द मसल बिटवीन आवर रिब्स आल्सो हेल्प इन लार्ज द चेस्ट कैविटी, दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुल आवर रिब केज बोथ अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हेन वी इनहेल। सेकेंड है, अ मैन आफ्टर रनिंग फास्ट हैव हायर ब्रीथिंग रेट। थर्ड है, ड्यूरिंग इनहलेशन रिब्स जो है हमारी मूव करती हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड डायफाग्राम मूव्स होता है डाउनवर्ड्स। ये मूवमेंट जो इंक्रीज करता है स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। इसके बाद फोर्थ है, वी ब्रीथ आउट, हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर अपनी ब्रीथ आउट में निकालते हैं और इस ब्रीथिंग आउट प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहलेशन। और फिफ्थ आंसर है, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इसको वीडियो पॉज करके आप फटाफट से आंसर्स लिख लीजिए, इसके बाद हम रीडिंग का सेक्शन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं या ब्रीथ करते हैं या रेस्पायर करते हैं। रेस्पायरेशन इन सम कॉमन एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो। तो एनिमल में जो फिश है वो गिल्स से अपने सांस लेती है। बर्ड्स, मैमल्स, फ्रॉग्स जो हैं जो लैंड पे रहते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं। और इंसेक्ट है जैसे ग्रास होपर और कॉकरोच है, इनमें ये ट्रैचिया और स्पाइरिकल से सांस लेते हैं। और एम्फीबियंस जो हैं स्किन से या लंग्स से सांस लेते हैं। अब हम कॉकरोचेस के बारे में रीड करते हैं। यू कॉकरोच मुझे नहीं पसंद। कॉकरोच एंड सम अदर इंसेक्ट्स सच एज ग्रास होपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स एंड एयर ट्यूब्स। अब ये जो है ना एयर होल और एयर ट्यूब्स से सांस लेते हैं, ठीक है, ये लंग्स, इनकी बॉडी में लंग्स नहीं होते। इंसेक्ट्स जैसे ग्रास होपर और कॉकरोच जो होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्रॉपर, और वो जो है प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स, मतलब ये एयर ट्यूब्स होती हैं प्रॉपर, ठीक है, कॉल्ड ट्रैचिया। ये यहाँ देख सकते हो आप ट्रैचिया। दीज एयर ट्यूब्स हैव ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स और ऑन द बॉडी सरफेस। तो स्पाइरिकल्स ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस पे स्पाइरिकल्स होते हैं और द स्पाइरिकल्स ओपन करते हैं और क्लोज होते हैं जिससे कि गैसेस जो है बॉडी के अंदर जाती हैं और बॉडी से बाहर आती हैं। ऑक्सीजन रिच जो हवा है बॉडी के अंदर जब जाती है तो ट्रैचियल ट्यूब्स, ये जो ट्रैचियल पीछे जो ट्यूब्स हैं, थ्रू स्पाइरिकल्स एंड डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में जाता है और रीच करता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसके बाद इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स से होता हुआ बाहर आता है ट्रैचियल ट्यूब से ही एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अब अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म ब्रीथ आउट वो अपनी स्किन से सांस लेता है। देयर स्किन हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज मीन्स नसें होती हैं इनकी, ब्लड की जो होती हैं। और अर्थवॉर्म एंड लीचीज जो हैं ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द एयर इन देयर ब्लड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। इनकी ये गीली स्किन की वजह से ये हवा को जो है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। फ्रॉग्स भी जो हैं अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं पानी के अंदर, ठीक है, फ्रॉग्स जो हैं स्किन से सांस लेते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज 152। पेज 152, ब्रीथिंग अंडर वाटर रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, और मछलियाँ जो हैं अपनी गिल्स से सांस लेती हैं। फिश, टेडपोल एंड सम अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स आर मेड अप ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ फाइन कैपलरीज, कैपलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की नसें होती हैं, दिस ब्लड वेसल्स अब्जॉर्व, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड कैरी टू द ऑल द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। द ब्लड वेसल्स ऑल्सो ब्रिंग बैक, और यही ब्लड वेसल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स सेल्स से होते हुए गिल से ही बाहर निकाल देती है। गिल पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द सराउंडेड वाटर, पानी में वापस छोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? रेस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये सांस ले पाते हैं। जब ये सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। रेस्पायरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से ये रेस्पायर करते हैं, जैसे रूट से, स्टेम से, लीव से। और जिनका आउटर सरफेस होता है, जो रूट्स हैज अ थिन लेयर, ये जो छोटे छोटे रूट्स की जो थिन लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, ये कहलाती हैं एपिबिलिमा। द एयर ट्रैप्ड इन द सॉयल, जो हवा में, मिट्टी में जो हवा ट्रैप होती है, मतलब मिट्टी में जो हवा होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, वो इन सेल्स में जाती है। और लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स टेक इन द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से, स्टोमा से, मतलब वो जो है लीव्स जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टोमा से निकालती हैं। और स्टोमा विद नियर बाय सेल इज नॉन एज स्टोमेटल अपार्चस। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के ऊपर छोटे 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 सेल्स होते हैं वो होते हैं। और वुडी स्टेम्स, जो वुड की ये जो स्टैम्प होती है, वुड के जो तने होते हैं, ये जो हवा से सांस लेने का प्रोसेस करते हैं, कॉल्ड लेंटिकल्स, ठीक है, उनको लेंटिकल्स बोलते हैं। और ड्यूरिंग द डे, दिन के समय दोनों रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। रात के समय क्या होता है, एट नाइट ओनली रेस्पायरेशन जो होता है टेक प्लेस होता है, सिर्फ सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सनलाइट नहीं होती। सो दैट प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। स्टोमेटल अपार्चस, स्टोमेटा ओपनिंग सराउंडेड विद टू गार्डेड सेल, दो गार्डेड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के। नेक्स्ट पेज पे ना इसकी फिगर मैं बता दिखाती हूँ। एंड सेवरल सब्सिडरी सेल्स, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटल अपार्चस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं प्लांट्स के अंदर इज नॉट एज फास्ट इन एज एनिमल्स। एनिमल्स की तरह ये जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते, इनका प्रोसेस जो होता है स्लो होता है। पेज 153 पर अब हम आ गए हैं, पेज 153, और ये लास्ट पेज है इस लेसन का। ये है स्टोमेटा तुम्हारा लीव्स के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब मैंने जब सॉइल चैप्टर पढ़ाया था आपको, लेसन नंबर 9, तो एक्सपेंशन का मतलब मैंने बुलवा लिखा भी था और मैंने जो है आपको बोला था लिख लो, और यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा एक्सपेंशन। एक्सपैंड व्हेन दे गेट वार्म, जब हीट होते हैं, जब कोई चीज़ हीट होती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो श्रिंक हो जाती है जब वो ठंडे होते हैं, ठीक है, याद आ गया। अब देखो यहाँ पर भी स्टोमेटा यही काम करता है, जब सनलाइट का काम होता है ना तो एक्सपैंड हो जाते हैं, खुल जाता है स्टोमेटा, फैल जाता है। और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, तो ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है ये गार्ड सेल का काम करता है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, इन सेल्स के अंदर फ्लो ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर रेस्पायरेशन और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप रीड करना, इम्पॉर्टेंट है। ये जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वही पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके समरी पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो पेज नंबर, पेज 153 के ओरल क्वेश्चंस हैं, ये 153 के ओरल क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर 10 फिनिश, चैप्टर 10 फिनिश होता है बाय योर टीचर। दविंदर कौर।
क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन रेस्पिरेटर ऑर्गन इन मैमल्स, में बताओ मेन ऑर्गन कौन सा है सांस लेने का, और विच कौन सा ऐसा सेल है पतली सी लेयर बनाता है आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स पर। वेयर डज रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर, प्लांट्स में कहाँ रेस्पिरेशन अकर करता है। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यंग ग्रीन स्टेम्स, कहाँ पर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन यंग ग्रीन स्टेम्स में, और कब दोनों रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है प्लांट्स में। तो मैंने आंसर्स लिख लिए हैं, फटाफट से आप जो है अपनी नोटबुक निकालो और आंसर्स लिखो। आंसर आप लिख सकते हो पेज 153 ओरल क्वेश्चंस, फर्स्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स लंग्स, सेकंड है एपिबिलिमा, थर्ड का आंसर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है स्टोमा, फिफ्थ है ड्यूरिंग डे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो दोनों इकट्ठे होते हैं वो दिन के समय होते हैं। वीडियो को पॉज करो और आप आंसर्स यहाँ लिख सकते हो फटाफट से। इसके बाद जो है आपका बैक एक्स आ जाती है। बैक एक्स में अब आप देखो ये जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ये है, मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी हम फटाफट से बैक एक्सरसाइज जो क्विक असेसमेंट है और चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज है वो कम, चैप्टर 10 का 10 है ना, हाँ चैप्टर 10 का क्लास 7 साइंस, और इसका क्विक असेसमेंट करेंगे। पेज नंबर ये है 155। एमसीक्यू है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन, सी पार्ट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लैडर, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द लंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर्स ओनली एनरोबिकली, यीस्ट। वन वर्ड के क्वेश्चन हैं इसके बाद। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं यूज एयर, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। सेकंड है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ, एक पर्सन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार सांस लेता है एक मिनट में, तो वो ब्रीथिंग रेट होता है। इसके बाद स्मॉल एयर सैक्स जो हैं एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियल्स एल्वियोली, द प्रोसेस इन प्लांट दैट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, रेस्पिरेशन का है ई पार्ट ऑक्सीजन, ब्रॉन्चियल्स का है डी पार्ट एल्वियोली, अर्थवॉर्म का है बी पार्ट स्किन, रूट्स का है सी पार्ट एपिबिलिमा, और लैक्टिक एसिड का है ए पार्ट क्रैम्स। तो यहाँ पर आपका क्विक असेसमेंट खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस पेपर, पेज 156, चैप्टर 10, क्लास 7, ठीक है। इसका पहला है एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू में दो पार्ट्स हैं। एक्सहेल्ड एयर क्या होता है, एक्सहेल्ड एयर में मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं रेस्पायर करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ प्रोसेस के सारे फंक्शंस कर सकें। द न्यूट्रिएंट्स विच एक्ट एज अ फ्यूल फॉर वर्किंग ऑफ अ सेल, सेल को वर्क करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्लूकोज। एनरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय यीस्ट, कॉकरोच जो रेस्पायर करते हैं वो ट्रैचिया और स्पाइरिकल से करते हैं। द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल डिफ्यूज इन टू द रूट्स थ्रू एपिबिलिमा, ट्रू फॉल्स है। इसके बाद ट्रू फॉल्स में बोलता है ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ट्रू। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, फॉल्स। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोली, ट्रू। फ्रॉग जो है ब्रीथ करता है अपनी स्किन से और एज वेल एज लंग से, ट्रू।
प्लांट कैरी आउट ऑक्सी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन एट नाइट फॉल्स. ड्यूरिंग द डे भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों का प्रोसेस होता है. यहाँ पर इसके बाद क्विक पजल है, ये आपका होमवर्क में है. अब यहाँ पर आपका प्रॉपर पूरा चैप्टर टेन जो है आपका फिनिश हो गया. चैप्टर टेन फिनिश बाय योर टीचर द्वेंदर कौर. ठीक है, चैप्टर देखो, बार बार रीड करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो डू मैसेज मी. फ्रॉम योर टीचर द्वेंदर कौर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.